तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि बिहार शिक्षा बहाली से रिलेटेड नया अपडेट लाया गया है, जहां पर आप सभी के लिए बम्पर भर्ती आने वाली है। ये जो बहाली है तो आपका जैसे ही कोरोना का मामला शांत होगा, आप सभी के लिए बहाली लाया जाएगा, जहां पर बताया जा रहा है कि माध्यमिक के विद्यालय में टोटल 60% सीट खाली है, यानी जितने माध्यमिक विद्यालय है सभी माध्यमिक विद्यालय में डायरेक्ट 60% सीट खाली है। तो इसी सीट को फुलफिल करने के लिए आपका वैकेंसी लाया जाएगा। साथ ही साथ उच्च में भी 80% सीट खाली है। तो इस अनुसार टोटल मिला के लगभग 1 लाख से ज्यादा पद पर बहाली लाया जाएगा। तो इसी से रिलेटेड सारी बातें को बताने आ चुका हूं, तो टांग लेते हुए चलिए शुरू करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश धनराज, और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉय पाठशाला में। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये रहा जो कुछ दिन पहले बिहार का पेपर में एक आर्टिकल आया था, जहां पे आप देख सकते हैं कि बिहार के माध्यमिक में 60% तो उच्चतर माध्यमिक में टोटल 80% शिक्षकों की पद खाली। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, ये शिक्षक की बहाली जल्द से जल्द किया जाएगा, जहां पर बिहार में अभी टीचर की कमियां बहुत ही ज्यादा है, इस कमियों को फुलफिल करने के लिए बहाली आपका लाया जाएगा। तो चलिए तो आते पूरा डिटेल से बताता हूँ। उससे पहले तो मैं बताता हूँ कि मैं अपने चैनल में बिहार में आने वाली जो भी भर्ती होती है बिहार एसएससी के तहत, कॉन्स्टेबल के लिए, टीचर के लिए, या तो जो भी स्कीम होती है, वो सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। तो प्लीज अगर चाहते हैं सभी वैकेंसी से अप टू डेट रहना, तो प्लीज मेरे चैनल से बढ़ जाएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। और इसी बीच अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कर लो। बिहार के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षकों का पद खाली होना चिंतित का विषय है। ज्ञात हो कि बिहार माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पटना हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें शिक्षा विभाग ने स्वीकार किया है कि माध्यमिक में कुल स्वीकृति 70,000 पदों पर मात्र 30,000 शिक्षकों, वहीं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कुल स्वीकृति 52,000 पदों के लिए मात्र 11,000 शिक्षक कार्यरत हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्राफ है, बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति है। इस ग्राफ के अनुसार आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरा बिहार में टीचर की अनुपस्थिति है, जहाँ पर टोटल चाहिए स्वीकृति चाहिए 75,000, लेकिन इस 75,000 में मात्र 30,000 बिहार में टीचर है, जो बाहर के टीचर है आपका माध्यमिक स्कूलों के लिए। उसी तरह से उच्चतर माध्यमिक में टोटल 52,000 की टीचर की जरूरत है, लेकिन वहां पर सिर्फ 11,000। इस तरह से टोटल यहाँ पर आपका 60,000, यहाँ पर आपका 80,000 टीचर की कमियां है, इसी कमियों को फुलफिल किया जाएगा। साथ ही बोर्ड ने कोर्ट से जल्द STET परिणाम घोषित करने की अनुमति मांगी थी, ताकि जल्द से जल्द इन पदों को STET 2019 के माध्यम से भरा जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना उच्च न्यायालय में जस्टिस अमानुल्लाह के बेंच में STET परिणाम प्रकाशित करने का, साथ ही बड़े पैमाने पे परे रिक्त पदों को शीघ्र भरने का आदेश दिया है। तो यहाँ पे STET का नाम लिया जा रहा है, ये STET यानी कि स्टेट के द्वारा जो भी बहाली किया जा रहा है, जो बहाली आपको 2019 में लाया गया था उसका मामला भी चल रहा है, वो बहाली से ही लिया जाएगा। तो उसके बाद फिर से यहाँ पे जो सीट खाली है, इस सीट को फुलफिल करने के लिए आपका एक फिर से प्रस्ताव जारी किया जाएगा, फिर से आपका एक बहाली लाया जाएगा। ये बहाली का जो रिक्तियां है पूरी तरह से जारी कर ली गई है, पूरा इसका शेड्यूल बना दिया गया है, कितना कितना मात्रा में किस विषय के अनुसार कहाँ कहाँ बिहार के किस ब्लॉक में कितना कितना सीट अवेलेबल है बिहार प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी के लिए, वो सारा आपका वैकेंसी आने वाली है। तो जो भी अपडेट आएगा मैं बता दूंगा तत्काल, अभी यही न्यूज दोस्तों। तो ये बहाली कोरोना के मामला के बाद ही आपका जारी किया जाएगा, जो भी आएगा नोटिस, जो भी अपडेट आएगा, जैसे भी आएगा मैं आपको बता दूंगा तत्काल। आज यही वीडियो थी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों और व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करो। और तो चाहते हैं इस तरह का वैकेंसी से अपडेट रहना बिहार में, तो प्लीज मेरे चैनल से बनेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।